गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th क्लास इकोनॉमिक्स एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद व्हाट द इकोनॉमी इज. इकोनॉमी क्या होती है जी? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेज होती हैं, जिनमें से एक ब्रांच होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी ब्रांच होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो यहाँ पर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर हम सबसे पहले ये जानेंगे कि इकोनॉमी क्या चीज़ है. इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो इंडिविजुअल्स को उनके सोर्स ऑफ अर्निंग प्रोवाइड कराती है, जिससे कि वो अपनी इनकम को अर्न कर सकें और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें जी. अब एक इकोनॉमी में तीन जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो मेन होती हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. तो इन इकोनॉमिक रिलेटेड एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी लिमिटेड होने की वजह से हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं इन इकोनॉमी रिलेटेड एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में. तो इसीलिए इन्होंने जो नेक्स्ट टॉपिक दिया है वो दिया है स्कैर्सिटी. स्कैर्सिटी क्या है? स्कैर्सिटी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है इन कंपेयर टू देयर डिमांड, उनकी डिमांड के कंपेयर में कम हो जाती है. उसका रीज़न ये है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं नेचर में और उनकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है. तो इसलिए हमें तीनों मेन एक्टिविटीज़ कंजम्पशन, प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट करने में प्रॉब्लम्स आती है. स्कैर्सिटी के अलावा भी हमारी जो इकोनॉमी है उसमें रिसोर्सेज की लिमिटेड अवेलेबिलिटी के कारण प्रॉब्लम होती है. और वो रीजंस क्या हैं? रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूज़ होने. एक तो पहले से ही रिसोर्सेज हमारे पास कम हैं, दूसरा जो उनके यूजेज हैं वो हमने अल्टरनेटिव कर दिए, यानी कि उनके एक से ज़्यादा यूज़ कर दिए हैं. इस वजह से क्या होता है कि जब किसी चीज़ के यूज़ बढ़ जाएंगे तो उसका जो कंजम्पशन है वो तेज़ हो जाएगा और उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो शॉर्ट हो जाएगी. तो ये भी एक रीज़न होता है मेन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को राइज करता है. तीसरा जो सबसे मेन रीज़न होता है वो होता है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, यानी कि जो ह्यूमन की जो वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं. और अनलिमिटेड वांट्स की वजह से जो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं वो उन अनलिमिटेड वांट्स को जो है सेटिस्फाई नहीं कर पाती हैं, और सेटिस्फाई ना करने की वजह से अगेन फिर एक इशू बन जाता है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को राइज करने में हेल्पफुल होता है. अब ये अनलिमिटेड वांट्स का क्या जो मैटर है वो मैं आपको समझाता हूँ. देखिए, जैसे सपोज़ कीजिए मैं हूँ, मेरी एक वांट सेटिस्फाई हुई तो दूसरी सेटिस्फाई हुई तो तीसरी, इस तरह से लगातार ह्यूमन बीइंग्स जो हैं अपनी एक के बाद एक डिमांड जो वांट्स हैं वो राइज होती रहती है और उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए वो लगातार एफर्ट्स करते रहते हैं. इसी तरह अगर इस बात को ऑल ओवर द कंट्री लेवल पे समझा जाए तो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और सबकी ऐसे ही अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स हैं, जबकि रिसोर्सेज हमारे हैं लिमिटेड उस कंपेयर में. तो इतनी सारी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो हमारे रिसोर्सेज हैं जो हमें नेचर ने दिए हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं और उनकी कमी आ जाती है, जिससे कि कंजम्पशन, प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटीज़ अगेन से प्रॉब्लम जो है इकोनॉमिक इशू जो है वो सामने आते हैं और उनसे उन्हें करने में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हमें प्रॉब्लम आती है जी. अब हम लोग बात करते हैं कि ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं क्या चीज़. इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स को या इंडिविजुअल्स को लिमिटेड रिसोर्सेज का कैसे सिलेक्शन किया जाए, किस तरह से यूज़ किया जाए, कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं फेस करनी पड़ती हैं. और इसी सिचुएशन को या इसी कंडीशन को इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहा जाता है, क्योंकि जैसा कि अभी हम ऊपर से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि जो इकोनॉमी में अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं. तो जब लिमिटेड रिसोर्सेज को हमें यूज़ करना हो तो उन्हें यूज़ करने में हमें प्रॉब्लम्स आएंगी ही. तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो इकोनॉमिक्स के अंडर पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बन जाती हैं जी. अब हम लोग बात करते हैं
इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सोशल साइंस है जो ह्यूमन बींग्स को, इंडिविजुअल्स को हेल्पफुल होता है ये बताने में कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका कैसे यूज़ किया जाए, कैसे उन लिमिटेड रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए और कैसे अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई किया जाए। तो यही यूज़ होता है इकोनॉमिक्स का किसी भी इकनॉमी के लिए, किसी भी कंट्री के लिए यही यूज़ होता है कि वो इकोनॉमिक रिलेटेड इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने में हेल्पफुल होता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो एडम स्मिथ है उन्हें जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है जी, अब हम लोग बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो जैसे ही मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि इकोनॉमिक्स की दो मेन ब्रांचेस होती हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब हमारे अंदर ये इंटेंशन डेवलप हो रही होगी कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में अलग क्या है। देखिए, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल बेसिस पर किसी भी इकोनॉमिक इशू को पढ़ने का काम करती है, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो किसी भी इकोनॉमिक इशू को एज अ होल यानी कि कंट्री लेवल पर पढ़ने का जो है स्टडी करने का काम करती है। ये सबसे मेन डिफरेंस होता है। जैसे कि इकोनॉमिक्स जो है वो किसी भी कंट्री में जो कॉन्सेप्ट पढ़ेगी वो पढ़ेगी डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट। एक इंडिविजुअल फर्म या एक इंडिविजुअल क्या डिमांड करता है, कितनी करता है और उसकी क्या सप्लाई है, कितनी सप्लाई है, इस चीज़ के। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एग्रीगेट्स सम टोटल की बात करेगी कि इस कंट्री में किसी चीज़ की कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है। इसी तरह से एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर हम किसी टॉपिक को पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर, जैसे कि हम टॉपिक ले लेते हैं इनकम, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी भी इंडिविजुअल की इनकम की स्टडी करेगी, जबकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो पूरी इकोनॉमी की इनकम यानी कि नेशनल इनकम की जो है स्टडी करेगी, वो इंडिविजुअल लेवल पर इनकम की जो स्टडी है वो नहीं करेगी। तो ये माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस होता है। इसे और अच्छे तरीके से समझने के लिए जी देखिए, ये अब हमारे सामने जो है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स आ गया है। वैसे तो मैंने आप सप्लाई है, एग्रीगेट से मतलब है यहाँ पे किसी भी चीज़ का सम टोटल कि एक कंट्री में किस चीज़ की कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है। जी नेक्स्ट इन्होंने बताया है थर्ड पॉइंट, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइस डिटरमिनेशन। प्राइस कैसे सेट किया जाता है, कैसे उसका डिसीजन लिया जाता है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आने वाला इशू है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में ये लोग बता रहे हैं कि डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है किसी भी इकोनॉमी के इनकम के इक्विलिब्रियम और एम्प्लॉयमेंट के इक्विलिब्रियम के बारे में बताने का या स्टडी करने का काम करती है। अब ये इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होती है ये हम लोग हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इक्विलिब्रियम एक वो स्टेट है जहाँ पर एक इंडिविजुअल सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन या सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई फील करता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। जी नेक्स्ट इज, बोथ आर बेस्ड ऑन डिफरेंट सेट्स ऑफ अजम्पशंस। दोनों माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अजम्पशंस जो हैं वो अलग अलग हैं। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है कंज्यूमर बिहेवियर को, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है
अप्लाई करती है इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम को, कि एक इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है या नहीं, अगर नहीं है तो उसे कैसे सेट किया जाए, वापस इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम पर लाया जाए। जी, अब ये इक्विलिब्रियम जो है कंज्यूमर के केस में तो मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दैट पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक वो स्टेट है वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। जी, नेक्स्ट है द एग्रीगेट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हैव लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन एज कम्पेयर टू द एग्रीगेट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंडर हम लिमिटेड एग्रीगेट्स के बारे में, लिमिटेड चीज़ों के बारे में ही पढ़ते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हमारे जो एग्रीगेट्स हैं वो ब्रॉड हैं और उन्हें पढ़ना और समझना माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंपेयर में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वहाँ पर बात होती है इकोनॉमी लेवल पर। जी, तो अब मैंने इस वीडियो के अंदर आपको जो अभी फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक थे वो बता दिए हैं। अब इसके बाद हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि एक इकोनॉमी में कौन कौन सी जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं वो होती हैं। ये चीज़ हम लोग अपनी दूसरी वीडियो में, इस वीडियो के बाद जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें देखेंगे। थैंक यू।